हरियाणा के ACS गुप्ता अंबाला की मंडियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। उनके साथ अंबाला DC प्रशांत पवार, अंबाला मंडल कमिश्नर रेणु फुलिया व अंबाला केंट SDM सत्येंद्र सिवाच इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। हरियाणा ACS ने मंडी में जाकर सभी मंडी के अधिकारियों व किसानों से बात की और मंडी की व्यवस्था के बारे में जाना। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लिफ्टिंग शुरू हो गई है, किसानों की पेमेंट समय पर उनके खाते में आ रही है। कमी तो कोई भी नहीं पाएगी, आपके सामने सारे खड़े हैं कि लिफ्टिंग भी अब चालू हो गई है, पेमेंट भी टाइम से हो रही है और आप जैसा खुद ही देख रहे हैं, मुझे कोई कमी नहीं पाएगी, अरेंजमेंट सारे ठीक है। आप खुद सोचिए कि अचानक जब सारी फसल इकट्ठी आएगी, लेट चालू हुई सारी इकट्ठी आई, सबकी तैयार थी, तो शुरू में दो चार दिन ऐसे होते हैं आपको सारा स्मूथली चल रहा है। देखिए दूसरी मंडी में देख के आया, वहाँ में 9 समथिंग थी, यहाँ 12 समथिंग थी, तो जो भी अकॉर्डिंगली गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की वैसे ही कार्रवाई करेंगे। सर आपकी तरफ से क्या अधिकारी ऐसे FCA से मैंने अभी बात की है, FCA स्पेशल रेक भी दे रहे हैं और जो उनके गोडाउन हैं वो गोडाउन में भी शिफ्ट कर रहे हैं। अभी FCA से आधा घंटा पहले ही बात हो रही है। सर पेमेंट को लेकर सर क्या रहा है? पेमेंट हो रही है इनके, आपके सामने इनसे पूछो ना, मेरे से पूछ रहे हो। वहीं मंडी में पहुंचे अंबाला केंट SDM सत्येंद्र सिवाच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक अंबाला केंट की मंडी में 1,03,000 क्विंटल गेहूं की आवक हुई है, जिसमें से 1,00,000 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। वहीं 31,500 क्विंटल गेहूं का उठान हो चुका है और अधिकारियों को उठान में तेजी लाने के लिए कहा गया है। 1,03,000 क्विंटल गेहूँ आई है, जिसमें से 1,00,000 की खरीद की जा चुकी है और उसमें से 31,500 आज तक लिफ्ट हुई है। तो अभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि लिफ्टिंग में तेज़ी लाएं, क्योंकि आढ़तियों और किसानों की तरफ से यही बात आई है कि लिफ्टिंग में तेज़ी लाई जाए। तो आज FCI के 2 पॉइंट खुल गए हैं, तो आज काफ़ी अच्छी लिफ्टिंग की हमें उम्मीद है। इसके अलावा एजेंसीज ने ये बताया कि जो अब तक लिफ्ट हुआ है उसकी 100% की अदायगी कर दी गई है, तो पेमेंट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है। और आढ़तियों को और मंडी के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि बारिश की संभावना के चलते अपने सारा स्टॉक है वो ढक के रखें। वही मंडी सचिव से जब मंडी में आई गेहूं की फसल की आवक के बारे में जाना गया तो उन्होंने बताया कि अभी तक अंबाला केंट अनाज मंडी में गेहूं की फसल की 1,03,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि 1,00,000 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है और पिछले साल के मुकाबले अब की बार ज्यादा आवक हो चुकी है और अभी और आने की संभावना है। अनाज मंडी अंबाला केंट में अभी तक 1,03,835 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है, जिसमें से 99,500 क्विंटल की खरीद हो चुकी है। ये अराइवल पिछले साल 70,000 क्विंटल की अपेक्षा 33,000 क्विंटल अभी तक अधिक हो चुका है और ये इसमें और भी आने की संभावना है। किसानों को यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और कल जो बारिश हुई है उसमें किसान की फसल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। उम्मीद कर सकता हूँ कि 1,20,000 क्विंटल ये अराइवल हो जाए। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 85% सीज़न हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 1,20,000 क्विंटल अराइवल हो सकती है। अभी तक मेरे पास यहाँ पे 31,500 क्विंटल गेहूँ का उठान हो चुका है। पहले बीच में स्लो हुआ था, पर अब ये आज से और इसमें और तेज़ी आएगी, क्योंकि हमें एक एडिशनल गोडाउन की यहाँ पे एजेंसी को वो परमिशन मिल गई है और ये तेजी से और बढ़ेगा। वही मार्केट कमेटी के चेयरमैन बलविंदर पुनिया ने बताया कि आज सभी ऑफिसर आए थे और उनके सामने हमने एक ही डिमांड रखी है कि लिफ्टिंग में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अब की बार मंडी में फसल की आवक अच्छी है और आढ़तियों के पास तिरपाल व दूसरे संसाधन की कोई कमी नहीं है। आज जो भी अफसर साहबान आए हैं उनके सामने हमने एक ही डिमांड रखी है, लिफ्टिंग की अराइवल मंडी में अच्छी है और सभी आढ़ती लोगों ने अपने साधन के मुताबिक तिरपाल और जो भी बारदाना है उपलब्ध करवाया है और मैंने खुद मंडी का दौरा करके सारी मंडी को चेक किया है भी। कल जो बरसात आई है उससे कुछ कट्टे वगैरह भीगे हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं, मॉइस्चर भी ठीक आ रहा है और आज से लिफ्टिंग सुचारू रूप से शुरू हो गई है।
वहीं मंडी में फसल लेकर आए किसान का कहना है कि मंडी प्रशासन ने काफी अच्छे इंतजाम किए हैं जिससे हम खुश हैं। उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन ने किसानों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। गौरतलब है कि हरियाणा के ACS अरुण गुप्ता अंबाला की मंडियों का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ अंबाला DC प्रशांत पवार, अंबाला मंडल कमिश्नर रेणु फुलिया व अंबाला कैंट SDM सितेंद्र सिवाच इस मौके पर मौजूद रहे। पंजाब केसरी TV के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।